दोस्तों, अगर आप भी अपने हनीमून को बहुत ही एक्साइटिंग, रोमांटिक और स्पेशल बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप दुनिया की बेहतरीन जगह तलाश रहे हैं, तो हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको मिलेगा नीले आकाश के नीचे नीला समुंदर, सफेद और चमकीली रेत वाले बीचेस के साथ साथ शानदार प्राकृतिक वातावरण और दिल को लुभाने वाले बीचेस, बंगलोस और सुंदर वाटर विलास। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मालदीव की, जो कि दुनिया के कपल्स के लिए जन्नत बन चुका है। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि मालदीव आने के लिए पहले से वीजा की जरूरत नहीं होती। यहाँ आने के सभी स्थानों पर पहुँचते ही पर्यटकों को 30 दिन का फ्री वीजा दे दिया जाता है। मालदीव में टूरिस्ट की बात करें तो 2017 में 12 लाख विदेशी टूरिस्ट इस छोटे से देश में आए थे। पर्यटकों के लिए मालदीव को स्वर्ग जैसा बताया जाता है, क्योंकि बाकी देशों के मुकाबले यहां सस्ते में लग्जरियस लाइफ जीने का मौका मिल पाता है। दोस्तों, यहां आते ही आप मालदीव की हवा में रोमांस महसूस करने लगेंगे। मालदीव में हर रिसोर्ट का अपना निजी द्वीप है। हर होटल और होटल का कर्मचारी बढ़ चढ़कर कपल्स की सेवा में मुस्तैद होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मालदीव द्वीपों का देश है, यहाँ का एयरपोर्ट भी एक द्वीप पर है। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आप एक बोट से अपने उस आइलैंड पर जाते हैं जहाँ आपका होटल स्थित है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मालदीव एशिया में सबसे छोटा देश है, क्योंकि यहाँ तकरीबन 4.5 लाख लोग ही रहते हैं और ये सुंदर आइलैंड इंडियन ओशियन पर स्थित है। इस सुंदर देश की राजधानी माले है। मालदीव 36 मूंगा प्रवाल द्वीप और 1192 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ देश है। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए खास तौर से फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। टूरिज्म इस देश की इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, मालदीव एक मुस्लिम देश है और यहाँ की मस्जिद बहुत ही सुंदर है। ग्रैंड फ्राइडे मॉस्क माले का सबसे बड़ा मस्जिद है, जो संगमरमर से बना हुआ है, जिसमें सुंदर नक्काशी की गई है। यहाँ जाने के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग ड्रेस कोड है। दूसरा टूरिस्ट स्पॉट है आर्टिफिशियल बीच। ये बीच वहाँ की आम जनता और टूरिस्ट लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर बने ढेर सारे रेस्टोरेंट्स और म्यूजिकल नाइट से आप इस जगह का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ कुछ वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि वाटर बोट राइड और वाटर जेट स्कीइंग का मजा भी आप ले सकते हैं। मालदीव अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए ये दुनिया की बेहतरीन जगहों में से एक है। कोरल रीफ और मछलियों की इतनी किस्में शायद ही कहीं और हों। रही बात कैमरे की, तो यहाँ के डाइविंग स्कूलों में अंडर वाटर कैमरे भी किराए पर मिल जाते हैं। दोस्तों, मालदीव में समुन्दर के ऊपर बने अनगिनत वाटर बंगलोस हैं, जहाँ से आप बंगलोस में रहते हुए समुन्दर के हसीन नज़ारे का दीदार भी कर सकते हैं और साथ ही अपने बंगलों से सीधे पानी में उतरकर तैर भी सकते हैं। मालदीव में चूंकि चारों तरफ नजर घुमाने पर पानी ही नजर आता है, इसलिए यहाँ आप वाटर एडवेंचर का मजा ले सकते हैं। यहाँ फिर आराम से अपनी कॉटेज में आराम फरमा सकते हैं। मालदीव का लगभग हर रिसोर्ट अपने पास स्कूबा डाइविंग के इंतजाम रखता है। सीखने वालों के लिए यहाँ डाइविंग स्कूल और कोर्स भी है। समुद्र की गहराई में उतरकर समुद्र की दुनिया देखने का एक अलग ही मजा है। मालदीव के रोमांच में हाल का इजाफा जर्मन पनडुब्बी का है, जो हर किसी को पानी के नीचे की दुनिया दिखा सकती है। दुनिया की सबसे गहरी उतरने वाली और सबसे बड़ी यात्री पनडुब्बी है, जो समुद्र में 100 फुट नीचे उतरकर उस दुनिया से आपको रूबरू कराती है। दोस्तों, कोरनाड मालदीव रंगाली आइलैंड में अंडर वाटर रेस्टोरेंट है, जो पूरी तरह पानी से घिरा हुआ रेस्टोरेंट है, जहां आपको ऐसा लगेगा कि आप समुन्दर के अंदर बैठकर खाना खा रहे हैं और साथ ही साथ आप डॉल्फिन, शार्क जैसी और भी मछलियों को देखने का लुत्फ भी उठा सकते हैं। अगर आप सी फूड खाना पसंद करते हैं, तो समझ लीजिए आप जन्नत में पहुंच गए हैं। यहां पर आपको सबसे ज्यादा सी फूड खाने का पूरा मौका मिलेगा। दोस्तों, मालदीव में आप अल्कोहल का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहां अल्कोहल आपको सस्ती मिल जाएगी, फिर चाहे आप वाइन पिए या शैंपेन। कैसे पहुंचे? मालदीव की राजधानी माले के लिए केरल में तिरुवनंतपुरम से सीधी उड़ान है। दिल्ली से कोलंबो होते हुए भी कुछ उड़ानें माले के लिए शुरू हुई हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मुंबई होते हुए भी माले जाती हैं। किराया भी बहुत ज्यादा नहीं है और ये उड़ान महज 40 मिनट लेती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और भी नए नए वीडियोस के लिए देखते रहिए फैक्ट्स फटाफट। तो दोस्तों, ये था आज का
का हमारा वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।